हमास ने रफा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यही वजह है कि हमास के लड़ाके इजरायली सेना के खिलाफ इतने बड़े बड़े हमले कर पा रहे हैं। जब इजरायली सेना के जवान मारे ना जा रहे हों और इन हमलों में हमास के साथ वो छोटे बड़े प्रतिरोधी संगठन भी साथ आ गए हैं जो कभी गाजा के भीतर स्वतंत्र रूप से काम किया करते थे। जी हाँ, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अल कुद्स ब्रिगेड भी अल कासिम ब्रिगेड्स के साथ गाजा में मोर्चा संभाल रही है। अब इसी कड़ी में उत्तरी गाजा में अल कुद्स के लड़ाकों ने IDF पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अल कुद्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें इजराइल के कुछ सैनिक दूर अपने सैन्य वाहनों के साथ मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी दौरान अल कुद्स ब्रिगेड्स का लड़ाका इनके ऊपर घात लगाता है और फिर अचानक से सैनिकों और उनके वाहनों के ऊपर एक के बाद एक बड़े बड़े रॉकेट फायर कर दिए जाते हैं। इसके बाद सामने से आ रही IDF की एक गाड़ी पर भी हमला होता है। अल कुद्स का लड़ाका इन गाड़ी पर रॉकेटों की बौछार कर देता है। अल कुद्स का ये लड़ाका पेड़ों के पीछे छिपकर रॉकेट फायर कर रहा है। इसके बाद अल कुद्स ब्रिगेड्स इजरायली सेना के एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाती हुई दिख रही है। अल कुद्स का एक लड़ाका इस हेलीकॉप्टर पर एक रॉकेट लॉन्चर फायर कर देता है। वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि ये रॉकेट IDF के हेलीकॉप्टर के पीछे के हिस्से के पास लगता है और इसके बाद हमास का एक लड़ाका मशीन गन से हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर देता है। इसके बाद हमास के कुछ लड़ाके हरियाली के बीच बैठकर रॉकेट फायर करते हुए दिख रहे हैं। इस हमले के बाद नेटजरिम एक्सिस में भी हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों के एक जमावड़े पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। हमास एक ड्रोन के जरिए जमीन पर बैठे इजरायली सैनिकों पर मोर्टार बरसाने का एक वीडियो जारी किया है। इन हमलों के बीच इजरायल को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल गाजा की लड़ाई में इजरायली सेना के जवान अडर गैब्रियल और योनाटन एलियस मारे गए हैं। आपको बता दें कि गैब्रियल की उम्र 24 साल थी जबकि एलियस की उम्र 20 साल थी। वहीं उत्तरी गाजा में IDF का जवान सार्जेंट यदिद्या अजूगी की भी मौत हो गई है। अभी तक गाजा पर जमीनी हमले में इजरायली सेना के 294 जवान मारे जा चुके हैं। अजूगी की उम्र 21 साल थी और वो 101वीं बटालियन की पैरा ट्रूपर ब्रिगेड का हिस्सा थे। हालांकि IDF का कहना है कि इस लड़ाई में हमास को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल इजरायली सेना का कहना है कि रफा पर हमले की शुरुआत से लेकर अभी तक 300 से ज्यादा हमास के लड़ाके मारे जा चुके हैं। IDF का ये भी कहना है कि उसने 30 मई 2024 के दिन गाजा के अलग अलग हिस्सों में 50 से ज्यादा हवाई हमले भी किए हैं।